डोईवाला की बात करेंगे, जहां पर डोईवाला में एरोसिटी बनाए जाने की खबरें आने के बाद यहां की जनता मायूस नजर आ रही थी। तो वहीं मुख्य सचिव से हुई वार्ता के बाद में इन खबरों पर पूरी तरीके से विराम लग गया है, जिसको लेकर उत्साहित किसानों ने ब्लड कैंप का आयोजन कर जनसेवा का संदेश दिया है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद किसानों की जीत हुई है, इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अधिकांश मरीजों को ब्लड की जरूरत आ रही है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे जरूरतमंदों की मदद कर उनकी जान बचाने में अपना अहम योगदान दें। डोईवाला से जाबेद हुसैन की रिपोर्ट। डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों के मृत्यु हो रही है, साथ ही जो हॉस्पिटल है उसमें खून की कमी आ गई है। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला के आह्वान पर आज महा ब्लड कैंप लगाया गया है। और संयुक्त किसान मोर्चा, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि यहाँ पर जो शुगर मिल का मामला था, चाहे हमारा एंटीग्रेटरी टाउनशिप का मामला था, चाहे किसानों को मुकदमे की बात थी, वो वापस लिए जाएंगे, ये आश्वासन मिला है। और इसी की जीत की खुशी में और हम लोगों ने रक्तदान का केंद्र लगाया गया यहाँ पर किसानों की ओर से, और भारी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा डोईवाला की ओर से ब्लड दान कैंप जो लगाया गया है, ये जो पिछली 7 तारीख से किसानों का भूमि अधिग्रहण और शुगर फैक्ट्री के बंद किए जाने के विरोध में धरना चल रहा था, कल माननीय मुख्य सचिव ने बुला करके किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की और वहां बताया कि आपकी शुगर फैक्ट्री भी चलेगी और डोईवाला क्षेत्र में